तरमा पूरा जूता वित्ता चढ़ा के, मतलब गांधी जी एक अंगली जो अंगूठा है वो भी तोड़ दिया गया, गांधी जी के ऊपर फोटो चढ़ के फोटो खींचा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है झारखंड वाला ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आया हुआ था हजारीबाग रात में अपने फ्रेंड के पास। ये देखिए, ये मेरा फ्रेंड करुआ फ्रेंड, इसका भी शेख नाम है। ये हम लोग खा रहे हैं, क्या है ये? बादाम बर्फी। अब चलिए यहाँ से डायरेक्ट जाता है हजारीबाग, और देखते हैं हजारीबाग में। ये मेरा दोस्त, इन्होंने बोला कि हमें फ़ोटो खिंचाना है और किसी को सेंड करना, मतलब कोई हो आप समझ सकते हैं, जाना बुरा आ गया तो उन्हीं को सेंड विंड करेंगे, कहीं पर फोटो वीटो जाएगा। चलिए वहाँ देखते हैं कैसा सीन है और कैसे कहाँ कहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया अभी, मतलब झील के पास। आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ झील है, ये आप सीन देख सकते हैं। ये सेट रोड गया हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे झील है। और ये हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। हम ऊपर अभी जाएंगे और आपको ऊपर का सीन दिखाता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको, मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ साफ से नहीं सुनाई देती होगी। तो चलिए ऊपर जाते हैं और आपको ऊपर का सीन दिखाता हूँ, तब तक आप ये झील का सीन देखिए, झील कैसा लग रहा है। पैर के पास, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये देख रहे हैं आप गांधी जी, गांधी जी का क्या हाल किया है यहाँ के लोग, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए क्या हाल किया है यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं। देखिए गांधी जी के स्टैचू का क्या हाल हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए बड़ा सा छेदा कर दिया गया है, पैर के पास तोड़ दिया गया है। और ये देखिए पूरा हाथ पे पूरा वाइट वाइट हो गया। और ये देखिए एक अंगली जो अंगूठा है वो भी तोड़ दिया गया। और ये देखिए कुछ लिखा हुआ निशान, मतलब पूरा बॉडी पे ही नाम लिखा हुआ, आप इधर भी देख सकते हैं, ये साइड भी। और ये देखिए हाथ का पूरा कलर उड़ गया। और ये देखिए ऊपर में भी, मतलब पूरा ऊपर तक लिख दिया गया है नाम। और ये साइड देखिए लोग यहाँ पे इनके हाथ पे और पैर पे चढ़ के फ़ोटो खिंचाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे चढ़ के। और देखिए ऊपर तक नाम लिखा हुआ है, तो हद हो गए, ऊपर तक लोग नाम लिख दिए हैं। और आप ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए एक उंगली और भी टूटा हुआ है नीचे वाला, इस पर लोग चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इस पर लोग कैसे, मतलब यहाँ पे आते हैं तो कैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये देखिए दो भाई साहब, मतलब पूरा सूट बूट चढ़ा के गांधी जी के ऊपर फ़ोटो चढ़ के फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, मतलब ये ख्याल रखा जा रहा है हमारे राष्ट्रपिता का स्टैचू का यहाँ पर। और ये देखिए कुछ लड़कियाँ आ रही है, मैं इन्हें भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये कैसे फ़ोटो खिंचाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे यहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं। और आप इन्हें भी देख लीजिए, इनका भी वही हाल है, ये भी मोहतरमा पूरा जूता वित्ता चढ़ा के, मतलब गांधी जी के ऊपर चढ़ के स्टैचू के ऊपर फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
तो हम लोग झील के दूसरे साइड जा रहे हैं अभी। ये साइड आपने देख लिया यहाँ पे गांधी जी से, और झील के मैं बड़े साइड पे जा रहा हूँ, मतलब उधर बड़ा वाला झील पे, ये छोटे तरफ है, तो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि क्या सीन है वहाँ पे। आप जानते हैं कि अगर आप हजारीबाग घूमे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लड़के लड़की बहुत आते हैं। तो पहले दिखाता हूँ क्या सीन है, ऐसे चलते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट मिलते हैं आपको बड़े वाले झील। फ्रंट साइड पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब बीच में नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो मैं अभी साइड पे, आप देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ अभी, और ये मेरे दोस्त लोग कुछ फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और आप पीछे देख ही रहे कपल लोग आए हुए हैं। अगर आपको आना है तो संडे को आप आ सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा सीन लगता है, आप देख सकते हैं। ये साइड से धूप आता है और ये ऊपर में रोड है, और मैं यहाँ बनाया हुआ बैठने के लिए यहीं पर बैठा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही भीड़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आना तो आप संडे को आ सकते हैं। संडे को आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर घूमने का शौक है, अगर घर पे आप अकेले हो रहे हो या आपके पास अगर गर्लफ्रेंड है तो आएँ घूमें, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं करेगा और कोई ध्यान भी नहीं देता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कपल लाइक एरिया। तो इस बार अगर आपको बोटिंग वीटिंग भी करना तो यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था, आप देख सकते हैं यहाँ ये बोट लगा हुआ, आप बोटिंग वीटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो शूट करना है यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छा अच्छा सीन है, अगर आप खोज सकते हैं तो अच्छे अच्छे सीन आते हैं मतलब। और मेरे दोस्त ने दो तीन को फ़ोटो खींचा, मैं डाल दूँगा इस पर अभी, मैं थोड़ी देर में आप देख लीजिएगा और देख सकते हैं कि पीछे कितना अच्छा सीन आता, बोट भी लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास, और पीछे झील है और लकड़े बिकड़ी आप तो देख ही रहे हैं, तो अच्छा एक सीन आ सकता है अगर आप चाहते हैं तो। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on. Friends, मेरे इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही है क्योंकि अभी शाम हो रहा है और मुझे यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर जाना है, मेरा घर जाना है। अभी मैं हजारीबाग आया हूँ अपने दोस्त के, आपको पता ही,
तो इस ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने तो अच्छा से आपको घुमाता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम इस मतलब इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, या कभी जब हजारीबाग आऊँगा तो उस वीडियो में मैं एक्सप्लोर कर दूँगा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, अभी हमको जाना 70 किलोमीटर, तो शाम हो जाएगा और घर में पता बहुत डांट सुनने मिलेगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही था, तो चलिए हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।